लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची है। महाविकास आघाड़ी सरकार जाने के बाद बीजेपी समर्थित एकनाथ शिंदे की नई सरकार बन गई है। इस सरकार का राजनीति पर कितना असर हो रहा है, महाराष्ट्र के विकास परियोजनाओं पर इसका कितना असर होने वाला है और आगामी जो महानगर पालिका के चुनाव हैं उन पर किस तरह का इसका असर पड़ेगा, आम जनता के मन में अभी भी असमंजस है, लेकिन एक्सपर्ट क्या सोचते हैं इसके बारे में, इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजीव मोहन मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल तक महाविकास आघाड़ी सरकार थी, अब राज्य में बीजेपी समर्थित नई सरकार बन गई है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं। आप इस पूरे सिनेरियो को जो 20 दिनों में घटा है, जो घटनाक्रम, उसे आप कैसे देख रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं इसके? देखिए, मैं राजनीति में जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल चलता है, जो बहुत पहले से भी चला आ रहा, मैं उसका सख्त विरोधी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने फायदे के लिए मतदाताओं के साथ किया गया एक सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि आप जिस भी पार्टी के टिकट पर, चुनाव चिन्ह पर आप चुनाव लड़ते हैं, उसके मतदाता उस पार्टी का चेहरा देखते हुए, तब आपका व्यक्तित्व देखते हुए आपको वोटिंग करते हैं। और बिना उन मतदाताओं की स्वीकृति के आप जिस तरीके से अपने फायदे के लिए अपनी पार्टी बदल लेते हैं, यह पूरी तरीके से उन मतदाताओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है जिन्होंने आपको चुन कर दिया। दूसरी बात यह कि ये जो सरकार बनी है अभी शिवसेना को तोड़ करके, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि भले ही एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर लिया हो, शिवसेना के एक जो बगावती गुट था वो आज समझ लो सत्ता में आ गया हो, लेकिन मैं एक बात आपको बोल सकता हूं कि शिवसेना वर्ड को ठाकरे परिवार से अलग करके कोई भी नहीं चला सकता। ये मैं आपको अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर्स शिवसेना को इसके पहले छोड़ करके गए, जो बहुत बड़े ताकतवर माने जाते थे, वो लोग गए, उनके बाद भी शिवसेना बरकरार रही। इवन राज ठाकरे के जाने के बाद भी शिवसेना बरकरार रही, और उद्धव जी के नेतृत्व में, भले उद्धव जी को आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत सरल नेतृत्व है, शिवसेना के लायक शायद उनकी जो दबंगता वाली छवि है वो उनकी नहीं है, जो छवि है, मगर वो सरल होने के बावजूद उन्होंने महाराष्ट्र में एक अच्छे मुख्यमंत्री होने का परिचय दिया है, और वो लिटरेट लोगों के बीच में, जो शिक्षित वर्ग है उनके बीच में वो लोकप्रिय भी हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में ये जो बगावत हुआ है और जिस तरीके से लोग ठाकरे परिवार के बिना शिवसेना को चलाने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे कि शिवसेना चला ले, आपको मैं बता दूं इसमें बहुत बड़ा दिक्कत सामने आने वाला है। आज एकनाथ शिंदे ने अपना गढ़ थाने, मान लीजिए, उसको बहुत मजबूत रखा है। मैं मान सकता हूं कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें भी शायद एकनाथ शिंदे अपने गढ़ से जीत जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को जिताने में शिवसैनिकों की और शिवसेना की भूमिका रही है, उनके व्यक्तिगत कद की अपेक्षा, तो उन लोगों को बहुत ही बड़ा मुसीबत आने वाला है। और रही बात इस नए सरकार की, तो इस नए सरकार को आप इतना मान के चलिए कि जिस तरीके का चीज यहाँ देखने को मिल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जैसा आदमी डिप्टी सीएम बना है, तो उससे यह मालूम चलता है कि सरकार का भविष्य बहुत ही कम दिनों का है, और बहुत कम दिनों में आपको इसके नतीजे सामने आ जाएंगे, और आपको लगेगा कि यह सरकार बहुत जल्दी लड़खड़ा करके गिर जाएगी, और फिर मिड टर्म पोल होगा, या फिर देवेंद्र फडणवीस कुछ ऐसा एक नया गठबंधन इस बीच में तैयार कर लेंगे जिससे कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये किसी को अंदेशा नहीं था, पॉलिटिकल एक्सपर्ट को भी नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअली इसका अगला सिनेरियो क्या होगा। सबको पता था कि अगर नई सरकार बनती है बीजेपी के नेतृत्व में तो उसके देवेंद्र फडणवीस मुखिया हों, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया, इसके पीछे का क्या मैथमेटिक्स हो सकता है? देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स बाला साहब ठाकरे का नाम है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इस पाप से बचना चाहते थे कि इसमें संपूर्ण भूमिका देवेंद्र फडणवीस की है।
वो इस पाप से बचना चाहते थे, वो जानते थे कि बाला साहब ठाकरे का नाम आज भी महाराष्ट्र में इतना लोकप्रिय जरूर है कि इसका नुकसान उनको भविष्य में उठाना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना करके यह प्रदर्शित करने का काम किया है कि यह पूरा का पूरा जो खेल है वो एकनाथ शिंदे ने अपने फायदे के लिए किया है। और वो जो है बाला साहब के नाम के साथ जुड़ा हुआ जो सहानुभूति है, जो सिंपैथी है, वो कहीं देवेंद्र फडणवीस को अटैक होने की बजाय वो पूरा का पूरा एकनाथ शिंदे पे ट्रांसफर हो जाए, ये उनकी यह पहली कोशिश है। और आप यह मान के चलें कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के नाम को इतना कम करके आप कभी भी नहीं आंक सकते, उसको आप इतना जल्दी आप धराशायी नहीं कर सकते। इसीलिए शायद देवेंद्र फडणवीस ने यह खेल किया है कि ये पूरा का पूरा जो पाप है वो एकनाथ शिंदे पे ट्रांसफर हो जाए। जो शिवसेना के जो बगावती लोग हैं, तकरीबन 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए, मुद्दा ये उठाया गया कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, वो हिंदुत्व से दूर चले गए हैं। महाविकास आघाड़ी के साथ जाने के कारण हिंदुत्व का जो एजेंडा था शिवसेना का, उससे दूर जा रहे हैं। और उस हिंदुत्व को बचाने के लिए, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को बचाने के लिए ये बगावत हुई है जो एकनाथ शिंदे ने की और जो बाकी उनके विधायक जो उनके साथ में थे। क्या इसमें कोई तथ्य लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है हिंदुत्व को आगे करके, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे करके ये बगावत की गई? देखिए, बीजेपी को बहुत अच्छी तरह पता थी कि अगर शिवसेना में कोई फोड़ ला सकता है तो उस व्यक्ति का नाम एकनाथ शिंदे है, वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उनके फाइनेंशियल एडवाइजर जो थे सचिन शिंदे, उनको ईडी का नोटिस पकड़ा दिया। ईडी का नोटिस पकड़ाने के बाद, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप, हो सकता है कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं एक पक्षीय बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं अनेक उदाहरण है, भावना गौली हैं, यामिनी यादव हैं, सचिन शिंदे हैं, आपको प्रताप सरनाइक हैं, ऐसे अनगिनत नाम हैं जो ईडी की रडार पर थे और इसको सब लोगों ने बहुत आसानी के साथ देखा भी। हाँ। और अभी और भी कुछ विधायक जो होंगे उनकी भी कच्ची चिट्ठी शायद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के थ्रू ही अपने पास जमा कर लिया। और यही कारण रहा कि इतने बड़े पैमाने पर उद्धव ठाकरे इतने कमजोर व्यक्ति नहीं थे कि उनसे इतना बड़े पैमाने पर कोई बगावत करता। वो बगावत करने के पीछे निश्चित तौर पे दो चीजें हैं, लोग अपनी संपत्ति बचाना चाहते थे, अपना नाम बचाना चाहते थे, अपना पद बचाना चाहते थे, क्योंकि जो हाल नवाब मल्लिक और अनिल देशमुख का हुआ, वो देखने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र का हर वो आदमी, हर वो नेता जिसका कहीं से भी थोड़ा बहुत गलत रोल या गलत पैसा जिसके पास है, वो सब डरे हुए थे। तो उनको अपने आप को किसी भी तरीके से बचाना था और वो ये समझ रहे थे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आज ये लोग टारगेट हैं, कल हम हो सकते हैं। अब जैसे यामिनी यादव, प्रताप सरनाइक, आपको भावना गौली, आपको अनिल परब, ये सबका लाइन देखते हुए ये लग रहा था, संजय राउत, इन सबों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा था उसको देखते हुए लोगों को यह लगा कि नहीं, अगर अपना आपको सेफ रखना है, अपनी संपत्ति बचानी है, अपनी इज्जत बचानी है, तो बीजेपी के साथ जाना जरूरी है। और बीजेपी ने बहुत ही तुरुप के इक्के को इस्तेमाल किया एकनाथ शिंदे को। मेरा तो ये मानना है कि ये लोग भले आज उसको उद्धव साहब की कमजोरी बोलते हो या ये कहते हो कि उन्होंने मिलते नहीं थे, वो समय नहीं देते थे, अभी मेरे को बताइए, आरोप तो यही लग रहा है, मेरे को बताइए कि जिस व्यक्ति के सत्ता में आने के बाद से ही कोरोना काल शुरू हो गया, 2 साल जो व्यक्ति कंप्लीट कोरोना काल में महाराष्ट्र रहा, उसके बाद वो व्यक्ति बीमार पड़ गया, बीमार पड़ने के बाद वो बहुत ही बड़ी बीमारी से गुजरे, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी बीमारी से, उनकी जान को खतरा था। कभी कभी कुछ लोग बाहर में ये कहते भी थे कि पता नहीं बचेंगे कि नहीं। वैसी स्थिति में अब वो आदमी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपको अपने घर में बिठा के रखे? आप मेरे को बताइए, आज वो लोग गए थे अयोध्या, अगर नहीं मिलते थे तो आदित्य ठाकरे के साथ सारी मंत्रिमंडल गई थी। आप जो चाहते कह सकते थे आदित्य ठाकरे को, अगर उनके फादर को कह सकते थे तो लड़के को भी कह सकते थे, लेकिन आपके मन में तो कुछ और खिचड़ी पक रही थी या आपके ऊपर किसी और चीज का दबाव था, तो आपने बगावत किया। बगावत के लिए कोई बहाना चाहिए, वो बहाना आपने लिया। पिछली सरकार की अगर बात देखें तो एक रात के लिए मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस और दूसरी सुबह सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कहा गया कि शरद पवार जो है एनसीपी के चीफ, वो जादूगर हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। इस बार शरद पवार का कोई जादू नजर नहीं आ रहा है।
क्या कारण दिख रहा है? नहीं देखिए, एक बात तो आपको मैं बता रहा हूँ कि शरद पवार कितने भी बड़े जादूगर होंगे, जब वो अपने ही पार्टी के नवाब मलिक और देशमुख को नहीं बचा पाए तो बाकी की क्या बचाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लोगों को यह समझ में आ गया कि जिस दिन हमारे गले में कोई बात अटकेगी उस दिन पार्टी भी हमसे किनारा कर लेगी। ये बात अनिल देशमुख और नवाब मलिक के बाद सामने आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में शरद पवार के व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा भरोसा अब किसी को नहीं रह गया था। दूसरी चीज की शरद पवार अपना अंडरस्टैंडिंग किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी के साथ अच्छा रखते हैं, वो सब लोगों ने देखा है। कोई भी हालात में वो अपनी अंडरस्टैंडिंग नरेंद्र मोदी के साथ बिगड़ने नहीं देते। और बाकी जो कुछ भी होता है महाराष्ट्र में, निश्चित तौर पे उनकी कार्यशैली, उनके जो सोच या उनका जो सेटिंग है वो उसका वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली नरेंद्र मोदी से पंगा लेने की कोशिश या अमित शाह से पंगा लेने की कोशिश नहीं करते। राज ठाकरे तो कहते हैं कि जब भी शरद पवार जाते हैं दिल्ली तो किसी न किसी के यहाँ नोटिस आती है ईडी की या किसी की गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगती है। देखिए शरद पवार का व्यक्तित्व ऐसा है ना कि वो कहते जो है उससे कहने और करने में उनका बहुत फर्क है। यही कारण है कि शरद पवार की किसी भी बात पर कोई जल्दी विश्वास नहीं करता। और राज ठाकरे ने जो कहा वो गलत भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा लगता है कि शरद पवार का दिल्ली दौरा किसी की विकेट गिराने के लिए होता है, ये भी हो सकता है। तो उन वो क्या खेल खेलते हैं। अभी अजीत पवार का मैंने भाषण सुना विधानसभा में, ये जो नई सरकार बनी उसके बाद, तो मैंने कहीं नहीं देखा कि सरकार के जाने का गम अजीत पवार के चेहरे पर झलक रहा हो या किसी भी मतलब ये बहुत क्लियर है कि सरकार रहना या जाना इससे पवार कुटुंब पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब उनकी गुडविल इतनी ज्यादा है कि वो कल एकनाथ शिंदे ने बोल भी दिया कि जयंत राव आप आज उधर बैठे हैं, आज हम इधर बैठे हैं, कल आप इधर हो सकते हम उधर, लेकिन हम लोग एक हैं। ये बोलने का मीनिंग एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण से बहुत कुछ स्पष्ट किया विधानसभा में। जिन लोगों ने बारीकी से एकनाथ शिंदे का बयान देखा होगा, भाषण देखा होगा, उनको यह पता लग गया होगा कि इसके पीछे कौन कौन सी शक्तियां थी और कैसे कैसे ये सरकार बनी है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उन फैसलों को बदल रहे हैं जो हालिया दिनों में बिल्कुल सरकार जाते जाते उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल ने लिया था। इन फैसलों को बदलने से क्या असर पड़ने वाला है आपको लगता है कि महाराष्ट्र के विकास पर किस तरह का दूरगामी असर पड़ सकता है? देखिए ये कहीं भी जब सत्ता चेंज होती है ना तो इस तरह के पैंतरे आजमाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई कमीशन खोरी हुई होगी, इस तरह के कामों में किसी तरह का कमीशन दिया गया लिया गया होगा, तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो दबाव में आ जाए, और वो दबाव में आने के बाद उधर तो कमीशन उसका गया ही, अब इधर भी कमीशन आ जाए। अच्छा। वो ये बात होती है। वरना मैं बोलता हूँ कि जब इस तरह की कोई बातें, जब इस तरह की कोई पॉलिसी या इस तरह का कोई टेंडर जब मार्केट में आता है या गवर्नमेंट लाती है, उसी वक्त विपक्ष को या बाकी लोगों को विरोध करना चाहिए, उस पर विरोध दर्शाना चाहिए, उसके पॉइंट बताने चाहिए कि ये क्यों गलत है, और उसी वक्त रोकने का प्रयास करना चाहिए। आज टेंडर हो जाता है, टेंडर कॉल हो जाता है, टेंडर मिल जाता है, और उसके बाद आप किसी परियोजना को रद्द करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि वो ये सोचते हैं कि अब भाई सत्ता, वो उस वक्त सत्ता में थे, वो तो मलाई खा के निकल गए, अब मेरी मलाई का क्या होगा, काम तो शुरू हुआ नहीं है, तो मेरी मलाई भी मेरे पास आनी चाहिए। तो इस तरह का ये कहीं पर भी सत्ता परिवर्तन, खामियाजा जो है, आर्थिक जो है खामियाजा जनता भुगती है 100%। अब शिवसेना में दो गुट हो गए हैं, एक गुट वो है जो शिंदे समर्थकों का है और दूसरा गुट वो है जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा और उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे। मुद्दा इसमें जो अहम है कि शिवसेना किसकी है, असली शिवसेना कौन सी है और नकली शिवसेना कौन सी, यानी जो अस्तित्व में रहेगी वो शिवसेना कौन सी है, उसके चुनाव चिन्ह को लेकर। मैं समझता हूं कि कोई भी एक सिंपल सा आदमी भी ये समझ सकता है कि जिस व्यक्ति ने 66 से लेकर करके अपने मरने तक जिस पेड़ को सींचा हो, आज उस पेड़ को कोई कहे कि ये मेरा पेड़ है, ये कैसे संभव है? अरे साहब मैं आपको बताऊं, ये तो एकनाथ शिंदे हैं, धर्मवीर आनंद दीघे की मौत हुई थी तो उसके बाद लोगों ने बाला साहब पर शंका की सुई खड़ी की थी, तब तो बाला साहब ने सेना को डिगने नहीं दिया, सेना को खड़ा रखा वैसी परिस्थिति में। तो ये एकनाथ शिंदे, ये अभी धर्मवीर आनंद दिघे से बड़े नहीं हो गए हैं। इनकी ठीक है, ये पावर में थे, ये सत्ता में थे, आनंद दिघे जो है वो सत्ता वाले बात नहीं करते थे, वो सत्ता से दूर रहते थे, वो चुनाव करते थे। वैसी स्थिति में शायद आनंद दिघे का ये जो है कद मेरी नजर में उस समय में ज्यादा बड़ा था। आज इनके पास जो सत्ता है, ये सत्ता के कारण ये चले आए हैं, वरना एकनाथ शिंदे अगर ये सोच लें कि वो बाला साहब हैं या वो आनंद दिघे हैं या
या वो उद्धव ठाकरे बन जाएंगे या वो राज ठाकरे बन जाएंगे, तो ये वो भ्रम छोड़ दें, ये भ्रम उनका कभी भी सफल नहीं होने वाला है, ये बात उनको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे का आपने हालिया बयान देखा होगा, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनके साथ गद्दारी हुई है। इसी तरह की बात तब भी हुई थी जब चुनाव हुए थे और महाविकास आघाड़ी के साथ वो चले गए। दोनों में कोई सिमिलरिटी दिख रही है आपको कि अगर आपने दूसरे के साथ गद्दारी की तो आपके साथ आज गद्दारी हो गई? देखिए मैं एक बात आपको बोलता हूँ, अगर आपने देखा होगा तो जो बीजेपी पहले विधानसभा के कम सीटों पर लड़ती थी और शिवसेना ज्यादा सीटों पर लड़ती थी, और सांसद के जब इलेक्शन होते थे एमपी का, तब शिवसेना कम सीटों पर लड़ती थी और बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ती थी, क्योंकि शिवसेना को यह मालूम था कि वह केंद्र लेवल पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो बीजेपी को मौका देती थी, और राज्य स्तर पर उसे लगता था कि वो मजबूत है इसलिए वो आगे रहती थी। लेकिन आपने देखा कि धीमे धीमे बीजेपी ने कैसे उसको कुरेदना शुरू कर दिया, और कुरेदते कुरेदते इतना कर दिया कि अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई और सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने को तैयार हुई थी, और उद्धव जी ने 2014 के चुनाव में कॉम्प्रोमाइज करके बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और 63 सीटों पर उनको विजय मिली और वही बीजेपी का सीट ज्यादा बढ़ गया। तो वैसी स्थिति में इवन उप मुख्यमंत्री तक का पद देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त शिवसेना को नहीं दिया। तो आप बताइए, अपमान सहने की भी एक सीमा होती है ना, कितना ऐसा तो नहीं था ठाकरे परिवार इतना तो कमजोर नहीं था कि आप उसको उप मुख्यमंत्री पद नहीं दे सकते थे। आज आप एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दे रहे हैं और उस वक्त आप उप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे, या अगर उद्धव जी ने यह इच्छा जाहिर भी की थी कि इस बार कम से कम सेना का मुख्यमंत्री बना लो तो क्या तकलीफ थी, आपने एकनाथ शिंदे को बनाया ना, बना देते उस समय। तो हमको नहीं लगता कि उद्धव जी ने कोई बहुत बड़ा बगावत या बहुत बड़ा गद्दारी किया था, उन्होंने गद्दारी नहीं किया था, वो पूरी शिवसेना के साथ गए थे, और जो लोग आज गद्दारी करके टूटे हैं ये उसी सेना के सरकार में मंत्री रहे। और उद्धव जी ने तो सबसे महत्वपूर्ण विभाग नगर विकास खाता इस एकनाथ शिंदे को दिया, जो नगर विकास खाता पिछले कोई से भी मुख्यमंत्री के काल में विलास राव देशमुख से लेके अभी तक किसी ने नगर विकास खाते को अपने से अलग नहीं किया था, वो खाता उद्धव जी ने एकनाथ शिंदे को दिया। अब क्या करते, गद्दार कहीं भी गद्दारी कर सकता है, चाहे आप उसको अपना राजपाट दे दीजिए तो भी, मेरी नजर में तो ये सब पाने के बाद भी किया हो गया गद्दारी है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके गुट को समर्थन दे रहे हैं, शिंदे को समर्थन देने के लिए आगे आ गए हैं। नवीन भाई का हालिया जो मामला है, विजय नाटा जो उनको पर्यावरण प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था, महाड़ा के चेयरमैन रह चुके हैं वो, विजय चौगुले जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, दो तीन बार विधानसभा का चुनाव, संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं, इसके बावजूद भी शिवसेना को छोड़कर सत्ता का समर्थन कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं, ये क्या गणित है? क्या कोई ये डर है या कोई बड़ा राजनीतिक फायदा है जिसके लिए ये सब हो रहा है? देखिए एक बात आपको मैं बता दूं, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी बनती है ना तो उसमें कुछ निष्ठावान होते हैं और कुछ सत्ता लोलुप होते हैं। तो निष्ठावान जो होते हैं ना वो अक्सर आप देखेंगे कि वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो सत्ता लोलुपता में नहीं रहते, वो निष्ठा से पार्टी की सेवा करते रहते हैं, इसलिए वो कार्यकर्ता ही बने रह जाते हैं। और जो सत्ता लोलुप होते हैं ना वो काम कम करते हैं और बड़े लोगों के पास, जो बड़े नेता हैं उनकी चमचागिरी ज्यादा करते हैं। विजय नाहटा को तो आप जानते हैं, विजय नाहटा शुरू से आईएएस ऑफिसर रहे और उसके बाद वो हमेशा सत्ता के साथ रहे, सेना जब 14 में भी सत्ता में थी तो भी वो सेना के साथ रहे, और आज जब सेना सत्ता में 2.5 साल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में रही तो भी वो चिपके रहे, और जब आज एकनाथ शिंदे के पक्ष में चला गया तो वहां चले गए, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी ऐसी पोल पट्टी है जिसको कि वो भी बचा करके रखना चाहते हैं, रिटायर हो गए हैं, कहीं ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट के बाद उनकी उनको कुछ फजीहत झेलना पड़े, तो उससे भी बचना है उनको, वो बात हो गई। विजय चौगले की भी अगर आप बात करेंगे तो उनके साथ भी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास भी कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हैं कि अगर ईडी और इनकम टैक्स इस तरह की कोई चीजें लग गई तो शायद उनको भी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। तो ये सब लोग अगर आप बोलने जाओगे तो ये वही लोग हैं जो लोगों ने निश्चित तौर पर नाजायज तरीके से पैसे का अर्जन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। उनके साथ जो नगर सेवक है उसमें भी बड़ी दबंग नगर सेवक बता रहे हैं कि
जो भी नगर सेवक है, झोपड़पट्टी के नगर सेवकों के पास मर्सिडीज जा सकता है क्या? झोपड़पट्टी के नगर सेवक बीएमडब्ल्यू पर घूम सकते हैं क्या? झोपड़पट्टी के नगर सेवकों के घर के आगे चार चार फॉरन की गाड़ियां लगेंगी क्या? आप सोचिए ना। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं वो इसलिए हुई हैं कि ये सब लोगों ने नाजायज पैसे का भरपूर उपार्जन किया है। और जब नाजायज पैसा आपके पास है तो आप गवर्नमेंट के राडार पे तो कभी भी रह सकते हैं। तो विजय नाटा और विजय चौगले नो डाउट सेना के एक बड़े कद के लोग हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये लोग भी कभी भी ईडी और इनकम टैक्स की रडार पे जा सकते हैं किसी भी दिन। इसलिए इन लोगों ने भी अपना सेफ साइड लिया और सीधा बीजेपी के तो सरकार में जाने के बाद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर ऐसा है तो? देखिए, आप एक बात बता दीजिए, आप जितना भी उदाहरण देख लीजिए, जितना भी उदाहरण, उस क्यों बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहा जाता है कि कल तक जिन लोगों के खिलाफ, इवन किरीट सुमैया भी, जिन लोगों के खिलाफ एकदम ताने बाने के साथ बैलगाड़ी पर ले कर कर करके पेपर जाया करते हैं, और वो क्या करते हैं कि जैसे ही वो आदमी जंप मार लेता है तो फिर वो शुद्ध हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। इसलिए बीजेपी को बोला जाता है कि ये वॉशिंग मशीन है। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर ईडी ठंडी पड़ जाती है, फिर इनकम टैक्स ठंडा पड़ जाता है, फिर सीबीआई ठंडी पड़ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो नेताओं की बात चल रही है, विजय चौगले और विजय नाटा, ये दोनों ऐसे नेता माने जाते हैं कि जिन्होंने यहां पर बीजेपी नेता गणेश नाइक को बड़ी टक्कर दी। तो अब ये जो गणेश नाइक के खिलाफ जो ये जुगलबंदी पहले चल रही थी, साथ में आने के बाद कुछ बदलेगी या ये और बढ़ेगी? भी आपको मालूम है यहाँ लड़ाई तो दो ही के बीच में थी, हाँ, सेना और बीजेपी, बीजेपी के। आज ये दोनों एक हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सीट बंटवारे को लेकर के जो संघर्ष होगा उसी से लोगों के वर्चस्व साबित होंगे कि कौन कितना सीट अपने पार्टी को दिला पाता है। अच्छा, विजय नाटा भी कमजोर नहीं है अपने क्षेत्र में, और विजय चौगले तो बिल्कुल कमजोर नहीं है एरोली विधानसभा क्षेत्र में, उनका एक कद है। तो वैसी स्थिति में ये दोनों मिलकर के चाहेंगे कि हम सेना का वर्चस्व बीजेपी पर बढ़ाए। तो वो जो सत्ता संघर्ष होगा वो न्यू बॉम्बे के लिए तो बहुत ही घातक है, बहुत घातक है। आपके कहने का एक संकेत यह है कि अब एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद भले ही बीजेपी के समर्थन से बनी है, लेकिन बीजेपी विधायकों के लिए एक बड़ा डेंजर है नवी में, ये आपका स्पष्ट कहना है? पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में जो बीजेपी के विधायक है उनके लिए बेहद कठिन परिस्थिति है। गणेश नाइक को मैं ये नहीं मानता था कि वो कभी राष्ट्रवादी छोड़ के बीजेपी में जाएंगे, मेरा ऐसा मानना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका भी कोई एक बड़ा नस कहीं दब गया, और दब गया तो छटपटाहट में उन्होंने बीजेपी का सहारा लिया। आज के समय में अगर वो बीजेपी में रहते हैं तो आपको मैं बता दूं, थाने डिस्ट्रिक्ट का कोई भी महानगर पालिका एकनाथ शिंदे अब छोड़ने नहीं जा रहे हैं। अच्छा। वो एकनाथ शिंदे का ही वर्चस्व चलेगा थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी महानगर पालिका। अच्छा। तो उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा गणेश नाइक का जो नवी मुंबई का राजनीतिक कद है वो प्रभावित होगा, और केवल इनका नहीं, मंदाताई का भी राजनीतिक कद प्रभावित हो सकता है, क्योंकि विजय नाटा अपने हार से तिलमिला करके जो बैठे हुए हैं वो उसको कहीं ना कहीं वो तिलमिलाहट को कैसे वो बदला लेने में कामयाब हो वो उस फेर में रहेंगे, समझिए ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर न्यू बॉम्बे में अब कुछ जो रास्ता मुझे दिखाई देता है कि अगर ये जो दोनों बीजेपी के विधायक हैं अगर समय रहते, या मैं ये सलाह नहीं दे रहा उनको, लेकिन एक अपने तरफ से मेरा एक अनुमान है विकल्प कि हाँ, विकल्प के रूप में कि अगर ये दोनों उद्धव ठाकरे के साथ चले जाते हैं, दोनों ही बीजेपी के विधायक, मतलब मंदाताई मात्रे और गणेश नाइक, अगर उद्धव ठाकरे के साथ चले जाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि तब यहाँ की स्थिति बड़ी ही रोचक हो जाएगी, और शायद गणेश नाइक जो अपना प्रभाव नवी मुंबई की राजनीति पर रखा करते हैं वो फिर से स्थापित हो जाएगा, और मंदाताई का कद भी मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे के गुट का नवी मुंबई में जो प्रभाव रहेगा उससे ज्यादा मंदाताई और गणेश नाइक का कद यहाँ पर दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों के लिए अस्तित्व बचाने का खतरा है, नो डाउट। आप एक बात समझ के रखिए कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि आपको यह लगने लगा था कि एकनाथ शिंदे धीमे धीमे गणेश नाइक की ताकत को आधा कर चुके हैं, और ये दिख रहा था क्योंकि सिरको उनकी बात नहीं सुन रही थी, महानगर पालिका उनकी बात नहीं सुन रही थी, पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही थी, कोई उनका नहीं सुन रहा था। वैसी स्थिति में उनकी स्थिति बेहद कमजोर होती जा रही थी। तो अब तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और वो छोड़ने वाले तो है नहीं नवी मुंबई जैसे महानगर पालिका को, और वो भी तब जबकि विजय चौगले और विजय नाटा जैसे लोग उनके साथ हैं, तो वो छोड़ेंगे तो नहीं। तो वैसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि गणेश नाइक और मंदाताई के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति है।
मिस्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। मंथन में आज हम चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। जिस तरह से एकनाथ शिंदे का कद बढ़ा है, पहले मंत्री थे, अब मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है थाने जिले पर उनका वर्चस्व और भी बढ़ेगा। आज की बातचीत में बस इतना। अगली बार हम फिर किसी नए मुद्दे पर मंथन करेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। लेकिन आप ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।